नहीं, सरपा का तरीका अलग है। क्या सर्प जो है हाथी की तरह खड़ा होकर मारता है? नहीं मारता। तो हर एनिमल पोस्चर को हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया गया है? अलग अलग तरीके से अपने बॉडी को होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब गजा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? स्ट्रेंथ, पावर, ताकत। तो गजा बॉडी से क्या तात्पर्य हमारा? टू गेन मोर स्ट्रेंथ इन आवर बॉडी। किसके बराबर ताकत आना है इंसान के अंदर? गजा के बराबर। इसको भी पूरा ओपन करो एंड सीधा रखो, यानी कि हील्स हमेशा आपके सीध में होना चाहिए। क्लियर? ये जो आपका मेजरमेंट जो मैंने बताया अभी, जिस मेजरमेंट में आप खड़े हो, आपको गजावडी इसी मेजरमेंट में करना है। समझ में आया? आप अपने हिसाब से बहुत ज्यादा खोल नहीं सकते, ना ही बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। आपको उसी में, यानी शोल्डर से सीधे नीचे आपके पैर होंगे। एवरी टाइम यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बताया। वंस अगेन जॉइन इट, ओपन इट, ओपन कंप्लीट एंड देन स्ट्रेट। समझ में आया? ये आपको समझने के लिए बताया है। इसका इजी एक और तरीका है, क्या कर सकते हो आप? अपने नीज से ऐसे मेजर कर सकते हो। वन नी स्पेस। ठीक है, वन नी स्पेस। क्लियर? ठीक है, अब गजा का मूवमेंट राइट पैर के पास लेके जाके बराबर में रखना है और राइट पैर को बराबर रखना है। समझ में आया? अगर आप पीछे जाओगे तो क्या होगा? राइट पैर को पहले पीछे लेके जाएंगे एंड द लेफ्ट को बराबर रखेंगे। समझ में आया? तो कलरी में एडज क्या होता है? वलद क्या होता है? राइट। तो यहाँ पे इसका कमांड क्या है? एडज वलद कैरी। समझ में आया? क्या है? एडज वलद कैरी। एक पैर इसके पास जाके ऐसे छूने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पास से निकलता है बस। ठीक है, इससे जाके इसके पास जाके चाय पी के आ गए, वापस फिर जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल मूवमेंट फटाफट जाता है ऐसे। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ द अपर पार्ट। बोथ हैंड्स लाइक दिस। तो इसमें कौन सा हाथ अंदर है आपके? राइट। विच वन इज इनसाइड? राइट। एंड द लेफ्ट इज आउटर। व्हाई? क्यों है ये चीज? आपने कलर पेंट में मूवमेंट देखा है, लोग करते हुए देखा है ये चीज। ये क्या है? ये स्टाइल है, स्टाइल मार रहे हम लोग। दिस इज अ डिफेंसिंग मूवमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो इस पे कभी हाथ को ऊपर नहीं रखना, हाथ को नीचे दबा कर रखना और ये दोनों कान को इससे प्रोटेक्शन करके ऐसे दोनों कान को बंद रखो ऐसे। यस। ठीक है, अब इसको जो रखते वक्त भी इसको फ्री नहीं रखना है, ताकत देना है हाथ में, ताकत देना है। ठीक है, तो क्या हुआ इस पे जब आप इसको ऐसे रखते हो? तो व्हेन यू आर इन अ अटैकिंग फोबिया, कुछ भी ऐसी अवस्था आती है तो आप क्या करोगे? लेफ्ट से ब्लॉक एंड देन राइट से हिट एंड गो बैक अगेन। नीचे दबाओ चाहती से, फिंगर को खोल के रखना नहीं, फिंगर क्लोज करो। ठीक है, अब यहां से जब आगे बढ़ोगे ऐसे करके खुल जाएगा चेस्ट से, ये नीचे की तरफ, ये जो ऐसे है ये नीचे की तरफ जाएगा एंड पैर वही रहेंगे और दोनों एल्बोज को जॉइंट करके आपको इस तरीके से एल्बो जॉइंट करो। हिप्स को उठा के एल शेप में रखो, हिप्स को एल शेप में, एल्बो जॉइन करो। एल्बो कहाँ है तुम्हारे? जॉइन करो, जॉइन इट, जॉइन इट। सिट ओवर देयर एवरीवन, जॉइन इट। ऐसे रखो बेटा, ऐसे। ठीक है, उठ जाओ, अपने जगह पे रहो। अभी कोई हाथी आया अंदर? कुछ नहीं आया। तो क्यों बोलते हैं भाई हाथी के बराबर ताकत होगा करके? ये सोचने वाली बात है ना, थोड़ा वारी क्या मरना। तो व्हाट इज थोड़ा? थोड़ा इज रिप्स, थाइस। वारी इज व्हाट? रिप्स। रिप्स क्या है? वारी। थोड़ा क्या है? थाइस। थोड़ा वारी क्या मरना मतलब क्या हो गया? जो आपका रिप्स है दैट शुड रीच अप टू योर हाईएस्ट लेवल। ठीक है, अब कैसे होगा एक बार नरेन करके दिखाओ उनको। हाथ को पूरा आगे ले जाओ, एल्बो जॉइन करो, ऐसे बंद करो नरेन हाथ को, हाथ ये ऊपर उठा, उसको उठा कर रखो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो और ऊपर,
यस हील्स आउट करो हील्स आउट करो हील्स आउट हील्स आउट यस पैर को पीछे ले जाओ उसको उठाओ ऊपर हाथ ऊपर ले और ऊपर एल्बो जॉइन कर यस समझ में आया ये अब करो इसको एक बार दोबारा सब लोग नीचे आपके रिब्स जो है थाइस के बराबर पहुंच रहे हैं होल्ड इट एवरीवन गो हाथ को बिल्कुल देयर लुक एट मी वन सेकंड लुक एट मी ये जो हाथ है ये कभी ऐसे नहीं जाता दिस हैंड शुड कम स्ट्रेट हैंड शुड कम स्ट्रेट हियर ठीक है अब बैठो बैठो रिब्स के पास थाइस पहुंच रहे हैं या थाइस के पास रिब्स पहुंच रहे हैं एल्बो जॉइन करो एल्बो जॉइन सिट प्रॉपर सिट देयर नरेन उठो और स्पाइनल से करो यस स्टे देयर थोड़ा सा एल शेप में और बैठना है हल्का सा बेंड यस यस जब ये वाला होता है तो दिस शुडंट बी गोइंग दिस शुड नॉट बी गो लाइक दिस दिस इज रॉन्ग ये ऐसे पीछे ही आ रहा है समझ में आया बहुत अच्छा पूछा मैं बोल रहे ये स्ट्रेट आना है भैया हिप्स डाउन मोर ये स्ट्रेट आना भी है और ये हिप्स जो है एल शेप में आ रहा है हिप्स ज्यादा नीचे ये गलत है ज्यादा ऊपर ये गलत है ये एल शेप एल शेप पे पूरा बैठो मैं पैर की गैप उतना ही होना चाहिए जितना मैंने बोला अपने हिसाब से पैर बहुत ज्यादा नहीं खोलना